नमस्ते, मैं हूँ गिरीश राम शिंदे और आज के सेफ्टी प्रैक्टिस के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एक्सीडेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इन्होंने क्या दिया डेफिनेशन में, एन एक्सीडेंट इज अनप्लान्ड अनफोर्सीन अनएक्सेप्टेड इवेंट दैट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ऑल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट। तो इन्होंने कहा कि एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है जो अनप्लान्ड, मतलब कोई प्लानिंग नहीं करता, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, अनफोर्सीन, कभी देखा नहीं गया। ओके, देन अनएक्सेप्टेड, हमने कभी सोचा भी नहीं है, और इवेंट, ओके, और नेगेटिव इवेंट होता है। तो एक ऐसा इवेंट हो गया जिसको कोई प्लानिंग नहीं है, जिसको कभी हमने अपने देखा नहीं है और जिसके बारे में कभी सोचा नहीं है, और इससे कुछ नेगेटिव चीजें होती है और इंडिविजुअल के साथ में, मतलब जिसके साथ एक्सीडेंट हो रहा है या कंपनी के साथ में, वो नेगेटिव चीजें हो सकती है। तो उसका जो इफेक्ट है, मतलब एक्सीडेंट से क्या क्या चीजें हो सकती है, डेथ, एक्सीडेंट से मौत हो सकती है, इंजरी, आदमी जख्मी हो सकता है उसमें, देन डिजीजेस, कोई ऐसी हो सकती है कि फैक्ट्री हो सकती है कि जिसमें एक्सीडेंट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस चल रही है और उस प्रोसेस से आदमी बीमार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग ऑपरेशन जो होता है, तो ग्राइंडिंग में से जो भी जो मेटल होता है, मेटल के जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं, उससे लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है या लंग्स की बीमारी हो सकती है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सीडेंट, उसको भी एक्सीडेंट कहा जाता है या जा सकता है। इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन, जैसे आज की तारीख में बीमारी फैली है, तो इन्फेक्शन एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वायरस फैल गया, इन्फेक्शन हर जगह पे फैल गया, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्सीडेंट। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, शायद ऐसा ना हो, डेथ ना हो, इंजरी ना हो, डिजीजेस ना हो, इन्फेक्शन ना हो, लेकिन आग लग गई कहीं पे और आग लगने से जो जल के खाक हो गई फैक्ट्री, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सीडेंट। उसमें रात के वक्त में आग लगी, रात के वक्त में कोई था नहीं वहां पे, लेकिन प्रॉपर्टी जल गई, मशीन जल गई, तो उसको भी क्या कहेंगे, एक्सीडेंट कहेंगे। और डैमेज टू एनवायरनमेंट, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि जिसके वजह से एनवायरनमेंट खराब हो गया, कोई गैस लीक हो गई और जो जाके पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई फैक्ट्री है उसमें का कोई केमिकल चला गया पानी के अंदर, समुद्र के अंदर चला गया, नदी के अंदर चला गया, और जिससे कि नदी का पानी खराब हो गया और नदी के अंदर जो मछली है या आदि अदर जो जो भी जीव जंतु है उसकी अगर मौत होती है, तो उसको भी क्या कहेंगे, एक्सीडेंट। तो हम अभी तक शायद सोचते रहेंगे एक्सीडेंट मतलब किसी को कुछ लगना, कोई जख्मी होना या किसी की मौत होना, उसको एक्सीडेंट कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो एक्सीडेंट में ये सारी जो भी छह चीजें दी है, इसको एक्सीडेंट कह सकते हैं, या कुछ एक्सीडेंट में सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअल एक एक ही चीज हो, जैसे कि कोई फैक्ट्री है जहां पे आग लग गई, ओके, तो उस केस में क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकता है, बीमारी भी फैल सकती है, और उसमें लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और एनवायरनमेंट, धुआं जो निकलता है वो जाके आखिर में हवा में ही फैलता है, जिससे एनवायरनमेंट का भी लॉस हो सकता है। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, मतलब इसमें सबका भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ दो तीन चीजों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, अगर वो भी होता है तो उसको भी हम लोग एक्सीडेंट ही कहेंगे। मान लो कि एक्सीडेंट हो चुका, तो एक्सीडेंट होने से इसमें से कोई चीजें हो गई, अब इसका इफेक्ट क्या होता है एक्सीडेंट का, तो कॉम्पेंसेशन कॉस्ट मतलब जिसके साथ में भी इंजरी हुई है, जिसकी मौत हो गई है, ओके, इन्फेक्शन हो गया, बीमारी हो गई, अब उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, ओके, अब यहाँ पे दोनों को नुकसान है, जो कंपनी का जो एम्प्लॉई है, तो कंपनी को भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है वहां पे, जिसके साथ में एक्सीडेंट हो गया उसकी तो पूरी फैमिली इसके ऊपर डिपेंड है, तो ओके, उसको भी वहां, उसका भी पूरा फैमिली का वहां पे लॉस हो गया, तो कॉम्पेंसेशन कॉस्ट कंपनी के साइड से, लेकिन उसकी तो पूरा जो है टाइम खराब हो गया, उतने समय में वो इनकम नहीं कर सकता, या उसके बाद में भी शायद अगर बीमारी बड़ी है या कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया, इंजरी अगर बड़ी है और उसमें हाथ या पैर के साथ में कुछ हो जाता है, तो आगे का जो ए है उसकी लाइफ है वो भी बर्बाद हो सकती है, तो वही पहला ए हो गया। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, या जब भी आप इंडस्ट्री में पहले जाते हो तो सबसे पहले आपको सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, क्योंकि उससे होने वाला जो नुकसान है वो दोनों साइड में, कंपनी के साइड में भी होता है और वर्कर जो काम करते हैं उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, ओके, वो तो अस्पताल में होगा तो वहां पे कोई काम करने वाला नहीं है, या फिर जब एक्सीडेंट हो जाता है कोई भी इंडस्ट्री में, तो बाकी लोग जो है वो ज्यादा करके उसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्कशन हो गया एक्सीडेंट से रिलेटेड, ओके, वो ही माहौल वहां पे कुछ दिनों तक चलते रहता है, तो उतने दिनों के लिए जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस हो जाता है, और पर्टिकुलरली जो आदमी का एक्सीडेंट हो चुका है उसका जो प्रोडक्शन होना है वो तो वहां पे स्टॉप ही हो जाता है। डिक्रीज इन एम्प्लॉय मोरल, हौसला जो होता है, जो काम करने वाले बंदे होते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो उनका हौसला कहीं पे तो वो डिमोरल हो जाते हैं कि एक्सीडेंट उसके साथ में हुआ तो कल को शायद हमारे साथ में भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है, तो उनका जो मन होता है काम करने का
तो थोड़ा सा कहीं पे तो भटक जाता है, और जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन हो नहीं पाता। और इसके लिए एक्सीलेंट की डेफिनेशन को समझना जरूरी है, एक्सीलेंट से क्या क्या होता है और इसके बैड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट है, लेकिन मैंने शॉर्ट में खाली इफेक्ट समझाए हैं ताकि आपको एक मैसेज चले जाए कि एक्सीडेंट जो है उसका इम्पैक्ट कितना बुरा हो सकता है। और टोटली जो एक्सीडेंट प्रिवेंट करना है वो मेनली जो काम करने वाले लोग हैं उनके हाथों में है, और दूसरा जो एम्प्लॉयर है कंपनी का मालिक है उसके हाथ में। तो दोनों मिलकर इन चीज़ों को टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर 99% तो प्रिवेंट कर सकते हैं, हर एक जगह को 100% हम नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है दोनों के हाथ में होता है। जो भी पॉसिबिलिटीज है एक्सीडेंट की, ये पहले वर्कर को पता चलती है, काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पे शायद ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, तो वो सजेशन दे सकते हैं मैनेजमेंट को, और टॉप मैनेजमेंट से आप मिलकर दो जन बैठ कर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, दोनों अगर सतर्क रहे अगर उन चीज़ों के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर, तो एक्सीडेंट को बहुत सारे केसेस में टाला जा सकता है। अभी देखेंगे कि कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एक्सीडेंट के, या फिर मैंने जैसे कहा कि इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट अवेयरनेस देने के लिए, अवेयरनेस प्रोड्यूस करने के लिए मैंने क्या किया, कुछ लिमिटेड पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। आपको लगता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है एक्सीडेंट के, ऑब्वियसली है, तो आप कमेंट में उस रीजन को भी मेंशन कर सकते हो या फिर इफेक्ट्स को भी मेंशन कर सकते हो, और या फिर आपको ऐसा भी लगता है कि एक्सीडेंट की डेफिनेशन में और कोई चीजें ऐड होनी चाहिए, तो आप कमेंट में उसको ऐड कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे एक्सीडेंट के जो कॉजेस है, कारण क्या है। तो फर्स्ट कारण जो मैंने लिखा है, अनअवेयरनेस ऑफ डेंजर। कई बार जो मोस्ट ऑफ यंग लोग जाते हैं ना साइट पे काम करने के लिए या फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि मतलब कोई चीज डेंजर है या डेंजर हो सकती है। सिंपल सा एग्जांपल, कोई सॉकेट है समझो, ओके, तो हमें तो पता होता है कि सॉकेट में पावर सप्लाई है तो हम उसको छुएंगे नहीं, ओके, या फिर छूते वक्त में हम प्रिकॉशन लेंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पता नहीं होता, तो वो शायद उसको छू सकते हैं, स्विच को छू सकते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को छू सकते हैं। क्यों छू सकते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, ओके। वैसे ही जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं और नए नए इंडस्ट्री में होते हैं, तो इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी जो होती है वो डेंजरस होती है, लेकिन जो काम करने के लिए जो गए हैं वर्कर्स है वो अगर यंग है, 19 20 21 साल के है, और उन्होंने कभी उसको देखा ही नहीं है और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वो शायद क्यूरियासिटी से वहां पे उसमें हाथ लगा सकते हैं या फिर जा सकते हैं वहां पे, तो उनको पता नहीं होता, और पता नहीं होने के कारण बहुत सारी जगह पे एक्सीडेंट होते हैं। तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा कि जो भी नए लड़के आते हैं, नए वर्कर्स आते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है। जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं वहां पे क्या क्या डेंजरस ऑपरेशन है, उस डेंजरस ऑपरेशन के बारे में अगर इनको उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए और वहां पे साइंस लगाए जाए, जो भी डेंजरस ऑपरेशन है उसके उससे रिलेटेड जो भी है अलग अलग लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वर्कर समझते हैं उससे रिलेटेड, उस लैंग्वेज में अगर वहां पे साइन बोर्ड्स वगैरह लगाए जाए, तो इस चीज को शायद हम टाल सकते हैं। डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी, ओके, डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी मतलब परवाह न करना, डिसरिगार्ड मतलब परवाह न करना, सेफ्टी की परवाह न करना। जैसे कि हमें पता होता है नॉर्मली बाइक चलाते तो हेलमेट यूज करना जरूरी है या स्पीड मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन पता है लेकिन फिर भी हम यूज नहीं कर रहे, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी। हम ऊंचाई पे काम कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वहां पे हम गिर जाए, ओके, लेकिन जब हम एंटर करते तो हमें ऐसा लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा, मुझे अभी तो कुछ हुआ नहीं, तो अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो हम कई बार जो सेफ्टी बेल्ट वगैरह यूज नहीं करते, और बाद में जाके जब हम नीचे देखते हैं तो चक्कर आ जाता है, और चक्कर आने से शायद हम गिर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ए डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी। तो कुछ भी हो, जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है, आपको कितना भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जो भी हो, लेकिन आपको सेफ्टी जो है उसको यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूज नहीं करते तो दैट इज कॉल्ड एज ए डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी, और इसमें एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। निग्लिजेंस, परवाह न करना, ओके, मतलब कोई भी चीज है आपको सामने दिख रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स है वो कहीं ना वहां पे स्पार्किंग हो रहा है, या फिर वायर्स पुरानी हो चुकी है, वायरिंग आप देखते हो, या फिर इनसफिशियंट लाइट है कहीं पे, वर्कशॉप में लोग काम कर रहे हैं लेकिन वहां पे प्रॉपरली एयर सर्कुलेशन नहीं है, या फिर वहां पे सरफेस पूरा ऑयली है, या वहां कूड़ा कचरा गिरा हुआ है, और देखने के बावजूद अगर हम ध्यान नहीं दे रहे, वहां पे साफ सफाई नहीं करा रहे, सफिशियंट लाइट नहीं दे रहे, एयर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं दे रहे और ऐसी काम चला रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज निग्लिजेंस, और उस केस में एक्सीडेंट होने के चांसेस फिर ज्यादा होते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर। हर एक काम करने का कुछ ना कुछ प्रोसीजर होता है, ओके, तो अगर हम उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, जैसे कि हमारा एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर में गैस चार्ज करने से पहले नाइट्रोजन से प्रेशराइज करना होता है सिस्टम को, कितना प्रेशर देना होता है,
जो भी सिस्टम का प्रेशर होता है उसके आसपास में प्रेशर हम लोग को देना होता है 1.25 टाइम्स नॉर्मल या 1.2 टाइम्स हम लोग प्रेशर देते हैं। अगर 100 PSIG प्रेशर सिस्टम का है ऑपरेटिंग तो हम 120 PSIG पे उसको टेस्ट करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है कि आप नाइट्रोजन सिलेंडर लोगे और उसमें आप 2 स्टेज का रेगुलेटर लगाओगे और वहाँ पे प्रेशर को मॉनिटर करोगे और प्रेशर को मॉनिटर करके फिर आपको प्रेशर वहाँ पे देना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग को प्रोसीजर पता नहीं होती, हाँ प्रेशर भरना है ना तो सिलेंडर लगा दो सीधा प्रेशर भर दो, लेकिन उसको मेजर भी करना है, उसको गिनना भी है, तो वो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये नाइट्रोजन कितना डेंजरस है और नाइट्रोजन सिलेंडर का प्रेशर बहुत हाई होता है। और जब हम विदाउट 2 स्टेज रेगुलेटर वगैरह से काम करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, लेकिन गलती से अगर करने जाएंगे तो सिस्टम बस्ट हो जाती है। तो हर एक काम को करने का अपना एक तरीका होता है, उसमें कुछ सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं और सेफ्टी को फॉलो करके आपको क्या करना होता है, उस काम को करना होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल काम है कोई, तो इलेक्ट्रिकल काम करते वक्त में पहले तो 3 फेज का या कोई मेन वायरिंग का काम है तो उसमें सेफ्टी प्रोसीजर क्या है, आपको सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन बुलाना है जिसके पास में लाइसेंस है, उसी ने काम करना है। फिफ्थ पॉइंट है अनटाइडी कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस। मोस्ट ऑफ वर्क प्लेस या वर्कशॉप की बात करेंगे तो अनटाइडी हो सकते हैं, ओके वहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं होता। अनटाइडी मतलब क्या हो गया कि जो फ्लोर होता है फ्लोर के ऊपर ऑयल गिरा हुआ है या फिर कॉटन वेस्ट गिरा हुआ है या फिर कपड़ा गिरा हुआ है, लकड़ी का भूसा गिरा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा होता ही है। RAC का जो वर्कशॉप होते हैं उसमें हम लोग ऑयल चार्जिंग करते हैं तो तेल नीचे गिर जाता है, फिर तेल के ऊपर हम लोग लकड़ी का भूसा डालते हैं, ओके मशीन को क्लीन कर दे, मशीन को क्लीन करने के बाद में जो है कपड़ा हो वहीं पे कहीं पे तो कोने में गिर जाता है। कई बार मशीन को क्लीन करने के टाइम में BDS करते प्रोटॉन सर्विस तो उसमें पूरा सर्फेस गीला हो जाता है, ओके तो इस टाइप से अनटाइडी जब कंडीशन होती है तो उसमें एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि छोटा मोटी कहीं आग लग गई तो आग बढ़ सकती है वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ऑयल है, वहाँ पे कॉटन वेस्ट है, वहाँ पे कपड़ा है, लकड़ी का भूसा है, तो आग लगने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे बढ़ती है। सरफेस कई बार गीले होते हैं, जैसे कि हम लोग BDS कर दिए वहाँ पे तो फ्लोर गीला होता है, कई बार हम लोग ब्रॉटडाउन सर्विसिंग करते हैं उसी सरफेस पे तो फ्लोर गीला होता है, और इनकेस अगर मशीन को स्टार्ट करते हैं मशीन ग्राउंड है तो वहाँ पे शॉक लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है क्योंकि फ्लोर जो है वो गीला है, और उसमें भी अगर हम लोग ने अगर जूते पहने तो सही है, नहीं अगर जूते नहीं पहनते तो वहाँ पे शॉक लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल आपका जो वर्कशॉप है उसकी अच्छी हाउसकीपिंग होनी बहुत जरूरी है, रोज आके उसको क्लीन करना और उसमें जो भी कूड़ा कचरा है, जो भी लकड़ी का भूसा है, कॉटन वेस्ट है या कपड़े हैं उसको निकालना, अगर फ्लोर हमेशा गीली रहती है तो उसको ड्राई करना, ओके ऑयली सरफेस है तो उसको क्लीन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट लाइट एंड वेंटिलेशन। जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे दिखना बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोग प्रेशर देख रहे हैं तो उसका रीडिंग हम लोग को दिखाई देना चाहिए, अंधेरा होगा तो प्रेशर की रीडिंग दिखाई नहीं देगी, वैसे में प्रेशर एक्सेस चला जा सकता है। वायरिंग कर रहे तो वायरिंग करते वक्त में दिखना चाहिए कि आप सही वायरिंग कर रहे हो कि गलत वायरिंग कर रहे हो, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकती है, तो सफिशिएंट लाइट हो ताकि हम आसानी से कंफर्टेबली काम कर सके। और वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग गैसेस के साथ में काम करते हैं, तो हमारी जो 134A जैसी गैस होती है, 410 जैसी गैस होती है, तो ये कुछ गैसेस हैवी होती है और हैवी गैसेस नीचे सेटल हो जाती है, ओके तो अगर गैस लीक हो गई और वेंटिलेशन नहीं है, छोटे वर्कशॉप होते हैं हमारे यहाँ पे मुंबई में, तो मोस्ट ऑफ बहुत छोटे वर्कशॉप होते हैं, और तो गैसेस फैल जाती है, गैसेस फैलने के बाद में हमें चक्कर आ जाता है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की जगह पे वो हैवी गैसेस चली जाती है और चक्कर आके हम गिर सकते हैं। तो इसके लिए लाइट का प्रॉपर होना, वेंटिलेशन का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है वर्कशॉप में। इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, जो टूल्स जिस चीज के लिए बनाए उसी के लिए उसको यूज करना है, तो अगर आप गलत टूल यूज करते हैं, जैसे हैमरिंग करना है तो हैमरिंग करने के लिए कई बार हम लोग हैमर लेते ही नहीं है, हम लोग वहीं पे कुछ लोहे का कुछ पीस होगा तो उससे जाके हैमरिंग करते हैं, तो उससे सही तरीके से हैमरिंग होता नहीं है, वो फिसल जाता है, उसमें हाथ को चोट लग सकती है। अभी स्पैनर्स होते हैं, स्पैनर नॉर्मली करेक्ट साइज के स्पैनर यूज करने होते हैं, लेकिन हम अभी करेक्ट साइज का स्पैनर ले क्यों कौन आएगा वहां से, तो हम एडजस्टेबल स्पैनर यूज करते हैं, कई बार स्पैनर स्लिप हो जाते हैं और उससे भी फिर एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो जो प्रॉपर टूल जिस चीज के लिए बना है उसी चीज के लिए वही टूल आपको यूज करना चाहिए। और फाइनल अनसेफ कंडीशन, कई बार क्या होता है कंडीशन अनसेफ होती है, मतलब कोई जगह जो है वो जगह अनसेफ होती है, जैसे कि कोई रोड की बात कर ले तो वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है क्योंकि टर्न होता है तो सामने से जो गाड़ी आती है दिखाई नहीं देती है, इसकी वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो काम करने की जगह भी ऐसी होती है कि जहाँ पे वो जगह ही ऐसी है कि जहाँ पे डेंजरस ऑपरेशन वगैरह चलते हैं, और डेंजर जैसे कि वेल्डिंग वर्कशॉप हो गया, तो वेल्डिंग वर्कशॉप में मोस्ट ऑफ जो है हॉट प्लेसेस होते हैं, मतलब जो लोखंड के टुकड़े होते हैं हॉट होते हैं, तो गलती से हाथ लग गया वहाँ पे तो वहाँ पे जलने की पॉसिबिलिटी
क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल का कुछ पैनल हो गया कहीं पे, ओके, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल का शॉक बहुत हैवी होता है, मतलब हाई वोल्टेज होता है, तो वहाँ पे अगर हम अनसेफली काम करते हैं तो शॉक लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से कुछ जगह जो होती है, कंडीशन जो होती है वहाँ की, काम करने की कंडीशन अनसेफ होती है। जैसे ऊंचाई पे कुछ मशीन इंस्टॉल है, ओके, वहाँ पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट वगैरह यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कंडीशन सही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।